हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। तो पहले तो हमने ये फिगर बना लिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए बी और सी, ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है ना। तो ये ए बी जो है वो इस ए सी के हमने बराबर बता दी, ठीक। फिर कहा ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए से एक परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर खींचे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे, ये हो गया पी, ठीक है। तो ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये हमने कर लिया। अब ये कहते हैं शो कीजिए कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। तो यहां पर बताना है कि ये जो एंगल है इसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में लिख देते हैं हम, गिवन क्या है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी ये एक आइसोसेलिस है, ठीक है। और जिसमें क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। और ये भी कहा कि ए पी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, तो ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ऐसा भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। फिर टू शो, शो क्या करना है आपको, शो ये करना है कि ये एंगल एंगल इस सी के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब देखिए यदि इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, सी पी सी डी से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, तो प्रूफ पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, ए बी पी एंड ये पी है ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी। फिर कहा इस ट्राइंगल में क्या इक्वल लिख सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में ए बी इस वाले ट्राइंगल के ए सी के बराबर है, ऐसा तो आपको गिवन ही है, गिवन में लिखा है कि ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा इस वाले में इसको मान लिया मैंने वन और इसको टू, तो एंगल वन एंगल टू के बराबर होगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। और इसका कारण यह है कि ये ए पी जो है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय ईच 90, है ना, क्योंकि ए पी जो है ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, इसके कारण ये दोनों 90 डिग्री के। फिर तीसरा क्या है, तीसरा ये है, ये साइड, ये ऐसी साइड है जब ये ट्राइंगल बनाते हैं तब भी एक साइड बन जाती है, और जब इस ट्राइंगल को बनाते हैं तब भी एक साइड बनती है, तो ऐसी साइड को क्या कहते हैं, कॉमन साइड, ठीक है। जब अगर मैं अलग से बनाऊं तो अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाना चाहूं तो ये ऐसे बनेगा, तो ए से पी इसमें आ जाएगा, और इस ट्राइंगल को अलग से बनाना चाहूं तो ये ऐसे बन जाएगा, तब भी ए और पी, ठीक है। ए बी पी बना ए बी पी, और ये बना ए सी पी, ए सी पी, तो देखिए ए पी इसमें भी आ रहा है ए पी, तो ऐसी साइड जो दोनों ट्राइंगल के लिए काम करे वो कॉमन साइड। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू ए पी बाय कॉमन साइड। और अगर ये तीन चीजें देखें तो एक तो है हमारे पास ये साइड, फिर ये एंगल और ये साइड, तो ये हो रहा है आर एच एस, है ना, ऐसे साइड साइड एंगल, ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, इसलिए ऐसा मत लगाना। यहाँ पर है एक 90 डिग्री बन रहा है, इसे कहेंगे राइट, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है, और ये तीसरी साइड, तो इसका राइट एंगल इसके राइट एंगल के बराबर, इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस इस वाले राइट इसके हाइपोटेनस के बराबर, बाकी एक साइड जो है वो बची हुई, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाले
जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सीपी से। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपी सीटी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।